पिछले साल अक्टूबर में अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर अभी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। हाल में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सियासी रंग का खुलासा किया था। उन्होंने बीजेपी और आरजेडी के साथ जेडीयू पर करारा प्रहार किया था। पीके ने कहा था कि यदि नीतीश कुमार ने पलटी मार दी तो बीजेपी कहां कम थी। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार ने इतनी पलटी मारी है कि वो सभी पार्टियों को अपनी पलटी वाले रंग में रंग चुके हैं। अब पीके ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी बात कही है। पीके ने कहा है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को छोड़ दे तो बीजेपी में आज की तारीख में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिस चेहरे पर लोग वोट देंगे। पीके ने कहा कि बिहार बीजेपी में स्थिति में ये है कि पार्टी मछली की तरह चेहरे की तलाश इस समय कर रही है। यहां तक कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में भी एक चेहरे की तलाश की जा रही है जिस पर भरोसा कर लोग वोट दे सके। पीके ने कहा कि बिहार बीजेपी में आज क्या है, जैसे तालाब में मछली पकड़ने के लिए लोग इधर उधर हाथ मारते हैं, ठीक उसी तरीके से बिहार बीजेपी चेहरे की तलाश कर रही है, ऐसा चेहरा जिसके नाम पर 5 वोट भी गिरे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है, यहाँ के नेता समझ नहीं रहे हैं। अभी जो पूर्व में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे वो जब दूसरे दल से विधायकी का चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ 6,000 वोट मिले। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मैं आप लोगों को रोज बता रहा हूं, पिछले 30 सालों में बिहार के एमपी और एमएलए बने हैं वो कुल 1200 से 1500 परिवार के लोगों में से निकलकर बने हैं। आज जिस दल जिस नेता का हवा हुआ है सब उसी में आ जाता है। बीजेपी कैसे दल में आज उनको कोई नया आदमी नहीं मिल रहा है, ये नौबत इस समय आ गई है।